आज का विषय है संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण बाय M.N. श्रीनिवास। संस्कृतिकरण को हम तीन भागों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहला, परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग। दूसरा, विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक। और तीसरा है आलोचना, क्रिटिसिज्म। तो सांस्कृतिकरण भारतीय समाज और संस्कृति में हमेशा से परिवर्तन के क्षेत्र में क्रियाशील रहा है। कुछ तो आंतरिक बाहरी प्रक्रिया है, जैसे कि पश्चिमीकरण और आधुनिकरण, जबकि कुछ आंतरिक प्रक्रियाओं का योगदान भी प्राचीन काल से हमें दिखाई देता है, जैसे नगरीकरण, सामाजिक विधान, सांस्कृतिकरण इत्यादि। तो इस तरह से सांस्कृतिकरण कोई नई शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में ये प्राचीन काल से क्रियाशील रहा है। किंतु सांस्कृतिकरण को डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने एक विकसित रूप देकर भारतीय समाज शास्त्र में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। डॉक्टर श्रीनिवास की पुस्तक 1952 में रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। उनने अपना अध्ययन अपने पैतृक गांव साउथ इंडिया में रामपुरा स्थित गांव में किया, जहां पर अध्ययन का विषय कुर्क जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति विषय था। अध्ययन के दौरान डॉक्टर श्रीनिवास ने पाया कि कुर्क जातियों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मुख्य मॉडल ब्राह्मण है। इन जातियों द्वारा ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है, ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर हमें डॉक्टर श्रीनिवास के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कि भारत में जातिगत स्थिरीकरण पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊंची और शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न है। और ऐसा भी माना जाता है कि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जिसमें किसी प्रकार का अंतर इस जन्म में संभव नहीं है। जाति गतिशीलता से बहुत दूर है, परंतु यह सिद्धांत पूरी तरह सत्य नहीं है। जाति व्यवस्था में भी गतिशीलता दिखाई देती है। इसका उदाहरण डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है। अध्ययन से स्पष्ट है कि कुर्क जातियों द्वारा ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाया गया। इन कुर्क लोगों ने ब्राह्मणों की जीवन शैली को, जैसे कि उनकी भोजन रीति, वे शाकाहारी हो गए, जुआ खेलना बंद कर दिया उन्होंने, पशु बलि देना बंद कर दिया, वैश्यवृत्ति बंद कर दी। इसी तरह से भाषा में भी उन्होंने ब्राह्मणीकरण भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया। ब्राह्मणीकरण भाषा का अर्थ है मीन संस्कृत के शब्द पाप, पुण्य, संसार, माया, मोह, धर्म, कर्म इत्यादि। उनकी स्त्रियों को भी उन्होंने बाहर लोगों के घरों में काम करने जाने से मना कर दिया, और वो भी स्त्रियां जो थीं उनकी अब अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक ढांकने लगी, आभूषण भी धारण करने लगी जो अभी तक निषेध था। पुरुषों ने भी कपड़े धोती पहनना आरंभ किया, धार्मिक रूप से वो टीका लगाने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे, जनेऊ पहनने लगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक रूप से ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपना लिया। इसका कारण यह था
कि अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाकर वे समाज में ब्राह्मणों के समान एक उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक जब कोई समूह या कोई जनजाति या कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति को, जिसे वो अपना मॉडल या आदर्श मानती है, उसकी जीवन शैली को अपनाने लगती है, तो बाद में काफ़ी लंबे पीरियड के बाद या एक दो पीढ़ी के बाद वो उस जाति में अपनी सदस्यता को मानने लगती है। तो इस प्रकार से सांसीकरण जो है वो डॉक्टर श्रीनिवास ने जो उसकी परिभाषा दी है उसके आधार पर कहा जाता है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह एक उच्च जाति की अपने के रीति रिवाज, उसके कर्मकांड, उनके विचार और उनकी जीवन शैली को अपना लेता है। द प्रोसेस बाय विच ए लो कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप टेक ओवर द कस्टम, रिचुअल, बिलीफ, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ ए हाई कास्ट। तो ये परिभाषा डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतकरण की अपने अध्ययन के बाद उन्होंने देखा कि इस तरह से ब्राह्मणों का जो कुर्क जाति है किस प्रकार से जीवन शैली को अपनाकर और अपनी संस्कृति को छोड़कर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है। अब 1965 में एक सेमिनार में डॉक्टर श्रीनिवास के द्वारा अपना पेपर जो पढ़ा गया, द नोट्स ऑन संस्कृतिकरण एंड वेस्टर्नाइजेशन, तो उसमें उन्होंने कुर्क जाति के अपने अध्ययन को स्पष्ट किया और यह बताया कि कुर्क जाति ने ब्राह्मणों की जीवन शैली को अपनाया और इस तरह से उन्होंने इसे ब्राह्मणीकरण कहा, जिसको वहाँ के जो समाजशास्त्री थे उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की और उनका कहना था कि उनका मानना था जैसे कि दुखी, मिल्टन, सिंगर, कोकाक, मजुमदार एंड मादन, उनका कहना था कि श्रीनिवास के द्वारा जो ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है वह सर्वमान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण पवित्र जीवन यापन करते हैं। बहुत से ब्राह्मण मांसाहारी भी हैं, मद्यपान भी करते हैं, वैश्यागमन भी करते हैं, तो इसलिए यदि ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण ही का जीवन पवित्र है तो ये संभव नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं कि आगे चलकर डॉक्टर श्रीनिवास ने इस आलोचना के कारण अपनी जो पुस्तक उन्होंने 1965 में लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में सांस्कृतिकरण की परिभाषा को बदल दिया और ब्राह्मणों की जगह उन्होंने द्विज शब्द का प्रयोग किया। तो उनकी जो परिभाषा थी उस परिभाषा में कहा गया है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च जाति अथवा जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। द प्रोसेस बाय विच ऑफ ए लो कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंज इट कस्टम, रिचुअल, आइडियोलॉजी एंड एनी वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए हाई एंड फ्रीक्वेंटली ट्वाइसपूर्ण कास्ट, मीन्स उन्होंने ब्राह्मण शब्द को हटाकर उधर ट्वाइस द्विज शब्द का प्रयोग किया। और हम सब जानते हैं द्विज जो कि दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है, द्विज का अर्थ होता है रिबॉर्न और दूसरा जन्म, और जन्म का अर्थ जो है जन्म है, तो दूसरा जन्म किसका होता है, जिनका उपनयन संस्कार होता है वही
रीबर्थ कहलाता है या द्विज कहलाता है, तो उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मण का भी होता है, क्षत्रिय का भी होता है, वैश्य का भी होता है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को मान ली कि जो भी जाति को वो कोई निम्न जाति या कोई जनजाति या कोई समूह अपना मॉडल मानता है, अपना आदर्श मानता है, और उसके कर्म कांडों को, उसकी परंपराओं को, उसके मूल्यों को और उसकी जीवन शैली को वो अपनाता है, तो उसे सांस्कृतिकरण कहा जा सकता है। किंतु हम देखते हैं कि यहाँ भी स्थिति जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उपनयन संस्कार के द्वारा ही कोई जाति अपने को उच्च मानती है। कई बार कई क्षेत्रों में प्रभु जातियाँ भी हैं। प्रभु जाति कौन सी होती है, उसके लिए हम पाते हैं कि जिन जातियों की जनसंख्या किसी क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में अधिक होती है, जिनके पास अधिक कृषि भूमि होती है, जिनका राजनीति में अच्छा दबदबा होता है और इस आधार पर वो उनके पास भौतिक शक्ति ज़्यादा होती है, उन लोगों को स्थानीय रूप में उनका स्थान सामाजिक संस्थान में उच्च होता है और उस क्षेत्र के लोगों के लिए यही जाति उनका क्या बन जाती है, मॉडल बन जाती है और वे इसके रीति रिवाजों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में अहीर जाति जो है वो बहुत प्रभु जाति मानी जाती है, इसी प्रकार से हरियाणा में जाट हैं, गुजरात में पाटीदार हैं, केरल में नायर हैं, मैसूर में लिंगायत हैं। तो ये जाति जो हैं इनकी जनसंख्या इस क्षेत्र में अधिक है, इनका राजनीतिक प्रभाव भी है, इनके पास भूमि जो है उस पर बहुत अधिक इनका भूमि अधिकार है। इस आधार पर हर क्षेत्र में स्थानीय रूप से जिस जाति का दबदबा होता है उसे प्रभु जाति कहते हैं और ये प्रभु जाति भी सांस्कृतिकरण में कई बार उस क्षेत्र के लोगों का आदर्श बनती है और वो उनके जीवन पद्धति को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि वो द्विजी का करेंगे या ब्राह्मणों का करेंगे, जिसकी भी स्थिति अधिक होगी, अच्छी होगी, व्यक्ति उसी की जीवन शैली को अपनाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर पोकार कहते हैं कि संस्कृतिकरण के आदर्श जो हैं सदैव ब्राह्मण ही नहीं रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जहाँ जिस स्थान पर समुदाय में जो प्रभुता संपन्न जातियाँ होती हैं वे ही ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भी हो सकती हैं, क्षत्रिय वैश्य भी हो सकती हैं, या वो स्थानीय समूह में कोई अन्य जाति भी हो सकती है और वही सांस्कृतिकरण का आदर्श बनती है। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएं डॉक्टर श्रीनिवास ने समय समय पर परिवर्तित की है, डॉक्टर पोकाक ने भी दी है, उनके आधार पर हम सांस्कृतिकरण की विशेषताओं का अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। विशेषताएं, डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी दो पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी उसमें जो उन्होंने 1966 में द चेंजिंग सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो प्रकाशित की उसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की स्पष्ट परिभाषा दी थी और उसी के आधार पर हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता जो है निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुसरण, इमिनेशन ऑफ हायर कास्ट बाय लोअर कास्ट। जब भी कोई निम्न जाति के द्वारा किसी भी उच्च जाति, द्वज जाति या किसी अपनी प्रभु जाति का अनुसरण किया जाता है, उनकी जीवन शैली को अपनाया जाता है, उनकी प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को वो निम्न जाति या कोई समूह, जनजाति समूह उसको अपने जीवन में निहित करता है, तब उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। दूसरी जो विशेषता है, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी।
हम सब जानते हैं कि जाति प्रथा एक बंद वर्ग के नाम से समाज शास्त्र में जाना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस जीवन में संभव नहीं है। किंतु जब हम संस्कृतिकरण को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही निम्न जातियों के द्वारा अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अपने से उच्च जाति की, जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं, उसकी जीवन शैली को अपनाया जाता है। और ये वो कई दिनों तक, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक जब इस प्रकार के जीवन शैली को ग्रहण करते हैं, तब एक लंबे पीरियड के बाद, एक पीढ़ी या दो पीढ़ी के बाद, वो उस जाति में अपना दावा करने लगते हैं कि उसको, उनको उस जाति की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जाति प्रथा के विपरीत संस्कृतिकरण एक गतिशील प्रक्रिया को स्पष्ट करती है कि भारत में ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर व्यक्ति अपनी स्थिति को नहीं बदल सकता है। एक रास्ता है संस्कृतिकरण का, जिसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी निम्न स्थिति को उच्च बनाने की कोशिश कर सकता है। तीसरी जो विशेषता है कि संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है। संस्कृतिकरण इज नॉट कन्फाइन द हिंदू कास्ट ओनली। जितनी भी मैंने अभी आप लोगों को संस्कृतिकरण के संबंध में व्याख्या की, उसमें हमने ये देखा है कि संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है। इसे जनजाति व अन्य सामाजिक समूहों में भी देखा जा सकता है। डॉक्टर पणिक्कर के अनुसार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जब नंद वंशों की समाप्ति हो रही थी, इसके बाद अनेक राज परिवारों में अक्षत्रिय जातियों ने जन्म लिया और उसकी सदस्यता उन्होंने प्राप्त की, और उन्होंने शूद्र होते हुए भी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जीवन शैली को अपनाया और वो बाद में क्षत्रिय ही कहलाए। इसी प्रकार हम देखते हैं मध्य भारत में गौड़ और भील जनजाति जो हैं, ये भी उसका उदाहरण है। इन्होंने भी हिंदू जीवन पद्धति को अपनाया और आज वो अपने को हिंदू स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट जो है, सांस्कृतिकरण का संबंध समूह से है, ना कि व्यक्ति से। कलेक्टिव प्रोसेस है ये, सामूहिक रूप से जब कोई पूरा समूह, कोई निम्न जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह सामूहिक रूप से किसी भी प्रभु जाति को या द्वज जाति को या जिसको वो आदर्श मानता है, उसके रीति रिवाजों को, उसके अनुष्ठानों को, उनके धार्मिक व्यवहारों को, उनकी भाषा को अपना लेता है, तब बताएं वो सांस्कृतिकरण के अंतर्गत माना जाता है। किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि इस प्रकार से किसी दूसरी उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाया जाता है, तो इसे सांस्कृतिकरण नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श प्रतिमान होते हैं। संस्कृतिकरण में केवल ब्राह्मणों का ही अनुसरण नहीं किया जाता। यदि ब्राह्मणों का अनुसरण ही किया जाएगा तो ये बहुत ही संकीर्ण और छोटा हो जाएगा और इस रूप में ये समाज में दृष्टिपात नहीं होगा। किंतु इसलिए जब कोई पूरा समूह जिसको वो आदर्श मानता है, जब उसका अनुसरण करता है, तब उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। डॉक्टर पोकाक तथा सिंगर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ब्राह्मण ही नहीं, जो भी दुज जाति है या जो भी प्रभु जाति है, उसको जब कोई समूह उसका अनुसरण करता है, उसकी जीवन शैली को, उसके व्यवहार प्रतिमानों को, उसके धार्मिक अनुष्ठानों को स्वीकार कर लेता है, तब वो संस्कृतिकरण के अंतर्गत स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। संस्कृतिकरण रिजल्ट इज पोजिशनल चेंज, नॉट एनी स्ट्रक्चर चेंज। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें ये एक मुख्य विशेषता है जिसके द्वारा केवल
पद मूलक परिवर्तन होता है। एक समूह की सामाजिक स्थिति में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत, क्योंकि हमेशा इधर सांस्कृतिकरण में हम ये पाते हैं कि व्यक्ति की स्थिति हमेशा ऊपर की ओर गतिशील होती है, यहाँ नीचे जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिकरण में जो है उसमें संरचना में सामाजिक संगठन में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। एक समूह जो कि किसी आदर्श प्रतिमान को मानकर उसकी जीवन शैली को अपनाता है तो उस समूह की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है पीढ़ियों का प्रयास, क्लेम फॉर द हायर स्टेटस इज मेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम। इसको कोई व्यक्ति सोचे कि 10-15 साल में यदि वो किसी दूसरी व्यक्ति जाति की जीवन प्रतिमानों को, उनकी व्यवहार प्रतिमानों को एंड उनकी जीवन शैली को अपना ले और वो अपने को उच्च जाति की सदस्यताओं से प्राप्त हो जाएगी, तो ये संभव कभी नहीं है। बहुत लंबे पीरियड तक, एक दो पीढ़ी तक जब वो इस प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों को अपने जीवन में समाहित करता है तब कहीं वो उस जाति में सदस्यता का दावा कर सकता है। ये भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया हुई है तो जो उच्च जाति के लोग होते हैं, जो अभिजात वर्ग है, वो इनको नीचे ढकेलता है और निम्न जाति के जो लोग हैं वो उनके पास जाने की क्या करते हैं, कोशिश करते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पुश और पुल का ये खेल जो होता है चलता रहता है। ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें हर व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। अभी भी हम जब 21वीं शताब्दी में हैं तब भी हम पाते हैं, कई बार पेपरों में आता है, टीवी चैनलों पर भी दिखाया जाता है कि एक गांव में एक निम्न जाति का व्यक्ति अपने बेटे के विवाह के समय घोड़ी पर चढ़ता है, तब वो देखते हैं कि जितने भी वहाँ के जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो उसमें विघ्न डालते हैं। तो ये स्थिति जो है कि यदि कोई ये सोच समझ के अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है कि कुछ समय में ऐसा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। इसे कई बहुत लंबा पीरियड का क्या करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो किसी उच्च जाति में अपने सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन विशेषताओं के द्वारा ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर M.N. श्रीनिवास के द्वारा जो सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में मानी गई है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। अब यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।